26 मई तो भारत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और OTT प्लेटफॉर्म्स नाल जुड़े हुए नवे कानून लागू हो जाने ने। इसलिए यह सवाल उठ रहा है कि कल भाव कि 26 मई तो ज आते कुछ दिनों के कि भारत के फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर वर्गे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काम करना बंद कर देंगे। दस दिए कि 25 फरवरी 2021 को सारिया सोशल मीडिया कंपनियों भारत सरकार द्वारा नवे नियमों की पालना करने के लिए 3 महीने का समा दिता गया। भारत सरकार के इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना टैक्नोलॉजी मंत्रालय द्वारा ये नवे नियम लागू किए गए हैं। इन्हों का नाम है इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी रूल्स 2021 गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडिएट्स एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड। नवी सोशल मीडिया पॉलिसी के सोशल मीडिया कंपनियों के लिए अपने अधिकारियों की जानकारी देना, उपभोक्तावां दी शिकायत को हल करने के प्रबंध समेत आपत्तिजनक समगरी की निगरानी और उसनों हटाने वर्गे कई नवे नियम शामिल ने। इन्हां नियमों के सोशल मीडिया कंपनियों नूं भारत के अनुपालन अधिकारी नोडल अधिकारी नियुक्त करने लई भी कहा गया सी अते उन्हां सारे नूं भारत के होना भी लाजमी किया गया है। What has happened as I indicated in the very beginning, concerns are being raised over the years about rampant abuse of these social media platforms. पहला है कि आपको एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म रखना पड़ेगा। एंड इस ग्रीवांस ऑफिसर का नाम भी आपको रखना पड़ेगा। हु शैल रजिस्टर द ग्रीवांस विद इन 24 आवर्स एंड डिस्पोजल इन 15 डेज। दैट इज वेरी क्लियर। सेकेंड, इफ देर आर कॉम्प्लेन्स अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ यूजर्स पर्टिकुलरली वुमन दैट एक्सपोज देयर प्राइवेट पार्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स और न्यूडिटी और इन सेक्सुअल एक्ट impersonation etc, you will be required to remove that within 24 hours after a complaint is made. This particular provision is designed to respect the dignity of the woman of India and anyone else. It's very clear. Uske baad maine bata diya aapko ki do prakar ke social media honge, to jo significant social media hoga unko teen kaam karna padega. Pehla, you will have to have a chief compliance officer resident in India responsible for ensuring compliance of the acts and the rules. Second, a nodal contact person resident in India for having 24/7 coordination with the law enforcement agencies. To pehla ho gaya chief compliance officer, dusra ho gaya nodal contact person, तीसरा है अपॉइंट ए रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर हु शैल परफॉर्म द ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म एज आई इंडिकेटेड। एंड नेक्स्ट इज यू मस्ट पब्लिश ए मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट कि आपके पास कितने कंप्लेंट्स आए, आपने उन पर क्या कार्रवाई किया और क्या रिड्रेसल किया। प्राप्त जानकारी अनुसार हुण तक केवल भारत की कू कंपनी नूं छड्ड के किसी भी होर कंपनी ने इन्हां विचों किसी भी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है। मीडिया रिपोर्टों अनुसार कई सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा इन नियमों को लागू करने के लिए 6 महीने का समा भी भारतीय सरकार तो मंगया गया है। नवी सोशल मीडिया पॉलिसी के नवे नियम 26 मई 2021 तो लागू हो जा रहे हैं। जेकर कंपनियां इन नियमों की पालना नहीं कर दिया तो भारतीय सरकार उन्हां दी विचोलगी की स्थिति को खत्म कर सकती है। इस नाल ही सोशल मीडिया कंपनियां भारत के मौजूदा कानूनों तहत आपराधिक कार्रवाई अधीन भी आ सकती हैं। जिक्र जो है कि भारत के ट्विटर इंस्टाग्राम और फेसबुक वर्गे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की निजता पॉलिसी लैके विवाद बने रहते हैं। भारत सरकार द्वारा इन नवे नियमों और नवी सोशल मीडिया पॉलिसी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए लाजमी किया गया है, पर इस ही भी सवाल और विशा खड़ा होंगे कि नवे नियम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के उपर उपभोक्तावान की प्राइवेसी भी प्रभावित करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देश प्रदेश टीवी, चंडीगढ़।